हम बहुत ही अच्छी तरह से मना रहे हैं, सब आए यहाँ पे, हरिनाम संकीर्तन होगा, प्रसादम होगा, बहुत कुछ होगा, डांस होगा, आए सब। दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, बोट बैठ के जगन्नाथ जी सैर कर रहे हैं, गर्मी है, उन्होंने भी मन करता है किसी बाहर निकलिए, इस करके अपने भक्तों को दर्शन देने लिए आए हैं। ये हर साल होता है यहाँ पे, बहुत आनंद आता है इसमें हमारे को। इस बार जगन्नाथ जी हमारे को स्पेशल एक चीज दे रहे हैं कि हम आरती कर सकते हैं उनकी, यहाँ पे जो चाहे आके आरती कर सकता है जगन्नाथ जी की, और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, आज जगन्नाथ जी आएंगे बलदेव और सुभद्रा महारानी के साथ। जगन्नाथपुरी तो जा नहीं सकते, बट यहाँ पे इस्कॉन लुधियाना ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम अरेंज किया है। जय जगन्नाथ। बहुत खुश हैं हमारे जगन्नाथ जी बाहर आए हैं इतनी गर्मी में, सबको अपने दर्शन देने के लिए आए, और हम इतने पति थे कि बाहर आने में भी हम डरते हैं इतनी गर्मी में। कितना इंतजार रहता पूरा सालों? बहुत इंतजार रहता, बहुत ज़्यादा। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुम देख रहे हो लुधियाना लाइव। अगर गल करिए लुधियाना शहर के रोज़ गार्डन की, अच्छे इस्कॉन लुधियाना सिविल लाइन के वालों बहुत हर्ष और उल्लास के नाल जो हर साल की तरह इस साल भी नौका विहार उत्सव मनाया जा रहा है। तो आओ फिर गल करते हैं कुछ भक्तों के नाल, जानते हैं किस प्रकार के नाल वेलकम टू बहुत फैसटिवल 2024 तुम लिखा है, की कहना चाहोगे लुधियाना से? सन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उत्साह रहा भी, साढ़ा हर साल रोज़ गार्डन च हरी नाम कीर्तन संकीर्तन होंगे, सन इस बहुत वधिया लगता। बहुत बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, और असं सब दे अगे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबनों आना चाहिए और जगन्नाथ जी दर्शन करने चाहिए। दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, बोट्स बैठ के जगन्नाथ जी सैर कर रहे हैं, गर्मी है, उन्होंने भी मन करता है किसी बाहर निकलिए, इस करके अपने भक्तों को दर्शन देने लिए आए हैं। हम बहुत ही अच्छी तरह से मना रहे हैं, सब आए यहाँ पे, हरिनाम संकीर्तन होगा, प्रसादम होगा, बहुत कुछ होगा, डांस होगा, आए सब। आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे कीर्तन करूँगी, डांस करूँगी, भगवान जी के दर्शन करूँगी। ठीक है। हम हर साल वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं कि नौका विहार होगा, हर साल मई में जून में नौका विहार होता है, भगवान जगन्नाथ जी के कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, दर्शन होंगे, आरती होगी, तो हर साल बड़े उत्साह के साथ हम लोग वेट करते हैं, और आज वो दिन आ गया है। ये हर साल होता है यहाँ पे, बहुत आनंद आता है इसमें हमारे को। इस बार जगन्नाथ जी हमारे को स्पेशल एक चीज़ दे रहे हैं कि हम आरती कर सकते हैं उनकी, यहाँ पे जो चाहे आके आरती कर सकता है जगन्नाथ जी की, और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये हर साल होता है स्कूल लुधियाना की तरफ से। जैसे हर साल हम लोग पानी में जगन्नाथ जी को चंदन लगता है, उस हिसाब से हम लोग स्नान यात्रा के जैसे पानी में ही घबराते हैं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, आज जगन्नाथ जी आएंगे बलदेव और सुभद्रा महारानी के साथ। जगन्नाथपुरी तो जा नहीं सकते, बट यहाँ पे इस्कॉन लुधियाना ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम अरेंज किया है। जय जगन्नाथ। दिल खुश हो गया इतने लोग देख कर, अच्छा लग रहा है, भगवान जी के सबको दर्शन होंगे इसी बहाने। जय श्री कृष्ण। बहुत खुश हैं हमारे जगन्नाथ जी बाहर आए हैं इतनी गर्मी में, सबको अपने दर्शन देने के लिए आए, और हम इतने पति थे कि बाहर आने में भी हम डरते हैं इतनी गर्मी में। कितना इंतजार रहता पूरा सालों का? बहुत इंतजार रहता, बहुत ज़्यादा। ये नौका विहार है, इसमें हमें बहुत आनंद मिलता है, भगवान को नहलाया, इसमें नौका में भगवान को घुमाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इंतजार था पूरा सालों का? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है इस्कॉन में, और ये गर्मी का मौसम है, इसमें भगवान को भी गर्मी लगती है, और भगवान को भी इसमें नौका में हमें घुमा के खुद को आनंद मिलता है, और भगवान को तो कितना आनंद मिलेगा। आरती कर रहे हैं, आरती, भगवान आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो आरती उनको दिखाएंगे, खुश होएंगे हमारी आरती को देख के। और ये मेरे साथ ये लोग हैं जितने भी, ये जम्मू कश्मीर से, ये सारे लोग जम्मू कश्मीर से, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की नौका विहार देखने आए स्पेशली यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। बहुत वधिया त्यौहार किया जा रहा है, जिहड़ा नौका विहार का त्यौहार है, बहुत ही वधिया, ये हर साल किया जाता, बहुत ही वधिया विधान नाल किया जाता, तो बहुत खुशी है, सारे इत्थे पहुंचे ने। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन लुधियाना सिविल लाइन्स की तरफ से आज चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में भगवान जगन्नाथ जी का नौका विहार उत्सव आयोजन किया गया। इसमें भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को बड़े सुंदर सज्जित नाव में बिठाकर रोज गार्डन में बनी नहर के बीच में, फूलों से सजी हुई नहरों के बीच में घुमाया गया। वृंदावन से आए हुए भक्तों ने मधुर संकीर्तन किया गया। जगन्नाथपुरी में हर साल चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में 21 दिन तक नरेंद्र सरोवर में भगवान जगन्नाथ जी की उत्सव मूर्तियों को बाहर लाते हैं, और भगवान के कीर्तन करते हुए भगवान नौका विहार का आनंद लेते हैं। गर्मी के दिनों में जहां लोग एसी और कूलर बैठते हैं, वहां भगवान शीतल जल में आनंद देते हुए भक्तों के संग आनंद लेते हैं। ये उत्सव जो मनाया जा रहा है मतलब बहुत अच्छा रहा, और बहुत सारी पब्लिक आई, और एक ही मोटो होता है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर कृष्णा कंसियसनेस इन द वर्ल्ड। हमारे प्रभुपाद जी थे, वो यही कहते थे
कि हर जगत में, हर संसार में, हर गांव में वी हैव टू इंट्रोड्यूस, वी हैव टू प्रोड्यूस हरे कृष्णा महामंत्रा। सो आवर मोटो इज ओनली थिंग्स कि हाउ टू प्रमोट, हाउ टू इंट्रोड्यूस और हाउ टू स्प्रेड द महामंत्रा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। दैट्स द मोटो ओनली, वन एंड ओनली। सो डू डू हरे कृष्णा। ये जो नौका विहार उत्सव है, ये जैसे कि जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा के उपलक्ष में जगन्नाथपुरी से कई पुरातन वर्षों से, कई सालों से ये चला आ रहा है, तो वहाँ पे गर्मी के उपलक्ष में क्या है, भगवान को रोज चंदन यात्रा के समय में 21 दिन तक भगवान को नौका विहार करवाते हैं। तो उसी भाव से हम लोग भी यहाँ लुधियाना में भगवान जी को, जगन्नाथ जी को गर्मी के इसमें चंदन तो भगवान को डेली लग रहा है मंदिर में, और यहाँ पे एक दिन हम लोग हर वर्ष की तरह यहाँ पे भी हम लोग भगवान को नौका विहार करवाने के लिए लेकर आए हैं। तो नौका विहार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत लोग भक्त लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं नौका विहार में। तो हर साल की तरह बहुत भव्य बनाया जाता है, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी ने इस बार नौका विहार कराया जाता है, तो इस बार सारी संगता रहा उत्साहित देखने वाला होता है। देखो कितना रश आया होया, गार्डन की गल करिए तो भी झट लग रहा है, छोटा लग रहा है, की कहना चाहूंगा कितना उत्साह देखिए आ रहा है लुधियाना वासी। देखो उत्साह जी हुण भगत बहुत जुड़ गया जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा नाल, हुण एक्चुअली इस्कॉन दे जिहड़ा हैगा प्रोग्राम बहुत वधिया है, तो बहुत अच्छे तरीके नाल मनाया जाता है, जिहदे विच बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ते हर एक तरह का अपना सुख सुविधावां आपां ध्यान नाल देखदे, जो लंगर छबील लगी हुई है, खिचड़ी का प्रसाद लग्या है, सारे लई इंतजाम किया जाता प्रसाद का जी। नौका विहार प्रभु की कृपा नाल बड़े हला उत्सव में मनाया जा रहा है, पासे छबील लगी है, उधर खिचड़ी लगी है, उधर प्रभु का कीर्तन चल रहा है, सारी संगत जिन्नी भी सुन रही है आके प्रभु के दर्शन प्राप्त कर। जय श्री कृष्ण। कैमरा पर्सन हनी के नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत। हरे कृष्णा।